जी एक अपना परिचय दीजिए। अलेश जी, भाजपा नेता, त्रिपुरा विधानसभा, बलिया। अलेश जी, जिस तरह से राजनीतिक दौर चल रहा है, पार्टियां आपके बीजेपी पार्टी से कितने लोग विधायक और मंत्री छोड़ रहे हैं, क्या वजह रही कि अभी पार्टी से इस तरह की घटनाएं हो रही? देखिए, ऐसा है कि पार्टी छोड़ने वालों की और पार्टी में आने जाने वालों की कमी नहीं रहती है। ये तो स्वाभाविक है कि पहले आए थे फिर जा रहे हैं, इनके आने जाने से कोई भी पार्टी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में उपेक्षा हो रही है और जातिवाद हो रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें कहीं से कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, और ऐसा कहना 5 साल तक कभी इन लोगों ने इस तरह की बात कही नहीं। अब इन मौके पे जब आचार संहिता लग गया है, उसके बाद इस तरह की बात करना तो औचित्य नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत कदम निराधार है। अभी देखा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने किया कि इनका उपेक्षा हुआ है चौहान बिरादरी का, तो क्या ये कि चौहान बिरादरी का उपेक्षा हुई है क्या बीजेपी में? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है, कर रही है। और दारा सिंह चौहान जी का तो स्वाभाविक है कि पहले दूसरी पार्टी में थे, फिर दूसरी पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आ गए, अब यहाँ से देखेंगे भाई उनको लाभ मिल गया है। उनका व्यक्तिगत जो है इम्प्रेशन ख़राब है क्षेत्र में, इसलिए अपना वो पार्टी छोड़ करके बदल करके इधर उधर जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, फेफना विधानसभा में जो 5 साल बीत गए, अब चुनाव आ गया करीब, तो कितना चुनाव आने से पहले ये जो वहाँ के जो विकास है, कितना हुआ है विकास वहाँ पर? देखिए, फेफना विधानसभा की जहाँ तक बात है, उस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, और जहाँ तक है उस क्षेत्र में विकास तो हुआ ही नहीं है, सबसे बड़ी मुद्दा है। मैं तो जनता के लिए काम कर रहा हूँ, उस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, अब विकास होगा, विकास वहाँ पर हुआ नहीं है, चूँकि फ्लडेड एरिया है, बाढ़ ग्रस्त एरिया है, और इसके पहले सपा बसपा की सरकार रही है, अभी टाइम कम मिला, और जो भी राजनीति है फेफना का विकास तो नहीं हो पाया है। तो जो मंत्री रहे हैं वहाँ, विधायक रहे हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं किया क्या अब तक? वो मंत्री और जो लोग भी रहे हैं वो अपने विकास के विषय में ज़्यादा चिंता किए हैं, क्षेत्र के विकास के विषय में चिंता एकदम नहीं किए। अगर चिंता किए होते तो पूरे जनपद का विकास हो रहा है, सभी पूरे क्षेत्र में विकास हो रहा है, विकास तो नहीं हुआ है, फेफना विधानसभा में विकास का काम तो नहीं हुआ। तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद करके हैं, भीम सेना के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अखिलेश जी पे आरोप लगाया कि उन्होंने दलितों के साथ गलत करते हैं, दलितों के साथ भेदभाव करते हैं अखिलेश जी, कितनी सच्चाई है इसमें? आप मानते हैं क्या कि नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी राजनीतिक या जातिगत स्थिति से इस तरह के व्यवहार कर ही नहीं सकते, इस बात को तो मैं मानता नहीं। वो आदमी निराधार कह रहा है, इधर से उधर घूमता रहता है ऐसे आदमी, और छोटी छोटी पार्टियां बना के लोगों को गुमराह करते हैं, आम पब्लिक जनमानस को गुमराह करते हैं। तो अखिलेश यादव करते हैं क्या भेदभाव जातिगत? नहीं, अखिलेश जी एक बहुत अच्छे लीडर है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लेवल पर हम समझते हैं कि ऐसा व्यवहार कभी न हुआ है न हो सकता है, इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता।